एक मिनट रुको बच्चों, यस। कितने बच्चों ने कर लिया? हैंड रेज कीजिए। सिद्रा, मोनिका, अक्षरा, अपूर्वा, अंकिता, आप लोगों ने मेरे को भी, अच्छा शायद मोनिका, अक्षरा और अपूर्वा आपने तो मुझे भेज दिया है। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाकी ने भेजा मुझे? मैम कीजिए नहीं, ये कर लिए। ठीक है, भेज देना। तमनप्रीत, ओके मैम, मैम डी एन एफ ब्लॉक मैम संडे को करेंगे। ठीक है। टीम मीट में प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। काजल, तुम्हें क्यों नहीं शो हो रहा है स्क्रीन? तुम्हारा डेली का इशू रहता है बेटा ये तो। ऐसे तो कैसे काम चलेगा बेटा? डेली स्क्रीन नहीं दिख रही तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा फिर तो। तुम बोलो ना मोहित सर को कि ऐसे ऐसे इश्यू आ रहा है आपको, या तो आपका मैम, वो मैंने आप पंकज सर से क्या बोला था। कह रहे थे वो? मैम वो बोल रहे थे शायद तुम्हारे एंड से कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, बोल रहे थे। अब तो ये प्रॉब्लम तो फिर रिजोल्व ही नहीं होगी। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद यू। ठीक है, तो मेरे को तो ये लग रहा है या तो अपडेट करो अपना गूगल मीट। ओके, सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और अपने डाउट्स भी लेके आया करो मेरे पास, ठीक है? नहीं तो मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, डीएनएफ लोग के मुझे डाउट्स भेजो, कोऑर्डिनेट अब उसके भेजो। अब डीएनएफ लोग के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, 4 दिन हो गए मेरे को करवाए हुए वो चैप्टर, आप लोगों ने अभी तक वो कवर नहीं किया है। एंड सिर्फ 4 बच्चों ने, 4 या 5 बच्चों ने हैंड रेस किया है, तो आप लोग उसके अलावा मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे अगर आप लोग ने डीएनएफ लोग नहीं किया, आज मैं नहीं पढ़ाती हूँ आगे। पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आपने डीएनएफ लोक नहीं किया या केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया, तो आप कर क्या रहे हैं फिर केमिस्ट्री में? मुझे एक एक बच्चा जवाब देगा चैट बॉक्स में कि आप लोग क्या कर रहे हैं, या माइक अनम्यूट करके बताओ मेरे को। अगर आपने नहीं किया है तो उसके अलावा कर क्या रहे हो आप फिर केमिस्ट्री में, मैं पूछना चाह रही हूँ। प्रखर, अनिरुद्ध, दिया, ऋषभ, यहाँ पे 2 न्यू स्टूडेंट भी आए हैं क्या? जानवी आपने कर लिया? गुड इवनिंग जानवी, यस आपने कर लिया डीएनएफ फ्लो एंड कोऑर्डिनेट, ओ सॉरी केमिकल बॉन्डिंग? यस मैम, वो क्या अच्छा, बाकी बच्चे ने मेरे को जवाब नहीं दिया बेटा, मैं आगे नहीं चलूंगी तब तक जब तक आप मुझे बता नहीं देते आप केमिस्ट्री में पढ़ क्या रहे हो। ठीक है काजल, गॉट इट। और बताओ, मेरे को वो दिखना चाहिए कि कहाँ हुआ है, मुझे वो दिखाना है आप लोगों को। वो सिर्फ आंसर आंसर लिख के भेज देते तुम लोग मेरे को, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दिखाओ तो सही तुमने सॉल्व कहाँ किया है वो रफ में। मैम। एक सेकेंड प्रखर, मैंने इतने दिन दिए बेटा, एक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तुमने। टेस्ट तो पता नहीं कब कब चलते रहेंगे, अगर मान लो पूरे साल हर महीने टेस्ट चलते रहेंगे फिर तुम मतलब मेरा दिया हुआ होमवर्क नहीं करोगे क्या? फिर तुम लोगों के स्कोर ही नहीं आएंगे। गुड इवनिंग गिरजा, चलो मत बताओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे फिर मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है संचिता, आप लोग मुझे प्लीज दिखा दीजिए, जैसे कुछ बच्चों ने कर लिया है। ठीक है अपेक्षा, ओके बेटा, ठीक है एक बार मुझे प्लीज शो कर देना कि आप लोग कहाँ पे कर रहे हैं। बेशक
राइटिंग गंदी सी क्यों ना हो जहां पे आप सोल्व करते हैं, बट आई वॉन्ट टू सी कि आप कहाँ सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं। एंड मुझे ग्रुप में आज एक्टिव दिखे हो, क्योंकि उसमें दो बैच के बच्चे हैं नीट के, एक आपका और एक जो दूसरा बैच है, और दोनों को मिला के वहां पे होंगे 50-60 बच्चे, और सिर्फ उसमें से 3 या 5 मैक्सिमम लगा लो 6-7 बच्चे ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मुझे आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, जैसे आज तमनप्रीत, जानवी, मुस्कान आप लोग एक्टिव थे, काजल, ठीक है, गिरिजा ने कल अच्छा आंसर दिया था, ठीक है। तो आज बेसिकली हमें क्या करना है मेरा बेटा, आज हमें वहीं से कंटिन्यू करना है जहां पे अपन ने छोड़ा था। अपन ने लास्ट टाइम क्या करा था, ये मैंने देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए डाउट डिस्कशन भी लिखा होता है DNF लोग का, कि बच्चे लाएंगे और मैं उनको डाउट्स बताऊंगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया था कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं, उसमें आपको सेंट्रल एटम देखने को मिलेगा, ठीक है, लिगेंड से अटैच होंगे थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लिगेंड क्या होता था है ना, मैंने अलग अलग बताया था, यस आइडेंटिसिटी 1 है तो मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, डेंटिसिटी 2 है तो बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा बताया था मैंने, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया थे। बाइडेंटेट के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जैसे इथाइलिन डायमीन हो गया, ऑक्सलेट आयन हो गया है ना, DMG हो गया, निकल, मिस गुड इवनिंग अलजिया है ना, निकल DMG का कॉम्प्लेक्स देखा था हमने है ना, और हमने क्या देखा था, हेक्साडेंटेट का बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल था जो मैंने तुम्हें बताया था, EDTA है ना। प्रखर मुझे यस बताओगे EDTA में कितने डोनर एटम होते हैं, प्रखर और 4 होते हैं, जो मैंने नोट्स बनवाए थे वो एक बार ओपन करना दोबारा, कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, शिवा कितने होते हैं, मैम 6 सिक्स सिक्स डोनर एटम होते हैं, जिसमें से कौन कौन होते हैं, 4 ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, यस। अच्छा, और किसकी बात की थी, एम्बिडेंटेट लिगेंड की बात की थी, यस यस मैम, यस मैम, यस मैम, जो कि क्या होते थे, मोनो एक ही कंपाउंड मैम, और उसमें उनके पास तो होते थे पर एक टाइम पे लेके लेता था। अगर तुमने मेरे से कब मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा मैम, अगर एक टाइम पे दोनों दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपके पास साइनाइड है, ठीक है, ये भी दे देगा ये भी दे देगा, क्या हो जाएगा फिर, पहली बात तो वो बाइडेंटेट की तरह एक्ट नहीं कर सकता, बट अगर मान लो तुम अगर दिमाग में लाओ कि मैम चलो दे देता है, तो ये कैसे मेंबर रिंग बन रही है, 3 मेंबर रिंग बन गई ना, 1 2 3, और 3 मेंबर रिंग तो स्टेबल ही नहीं होती, अगर तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा हो कभी छोटा मोटी चीजें, ये स्टेबल ही नहीं होती, इसमें भयंकर स्ट्रेन होता है, स्टेबल ही नहीं होती है ये, तो इसलिए भी नहीं बनता। कौन कौन से एग्जाम्पल थे एम्बिडेंटेट के, CN नेगेटिव था, SCN नेगेटिव था, और थायोसाइनाइड, और ये नाइट्राइड था, ये तीनों रट लो NCERT में है, रट लो, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों एम्बिडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, समझ में आया, यस मैम, आगे चलते हैं। आगे मैं आप लोगों को अब पढ़ाऊंगी फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड क्या होता है, फ्लेक्सी नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो मतलब कॉम्प्लेक्स के हिसाब से अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक पॉलीडेंटेट लिगेंड विच इज फाउंड टू हैव डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखते हुए वो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जो आता है कार्बोनेट सल्फेट आयन, ठीक है, कार्बोनेट क्या होता है, यही होता है, सल्फेट आयन क्या होता है, यही होता है, ठीक है। वैसे याद करो मैंने ये बोला था आपको मोनोडेंटेट लिगेंड में ही आते हैं ये, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग ये अपनी रंग बदल लेते हैं,
कभी कहते हैं हम इसमें मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करेंगे, कभी कहते हैं भाई हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाइडेंटेट की तरह आएंगे। तो अब मैम ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम डिटेल में लेक्चर कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक चीज बता देना चाहती हूँ, अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर कहीं ये ना हो कि मैम ने बताया नहीं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ये अपना रंग बदलेंगे आइए मैं बताती हूँ। जैसे मान लो, अब घबराना नहीं है, कॉम्प्लेक्स को देख के बहुत ईजी है समझने की कोशिश करना। लेट्स से कि ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, CoEn2 सल्फेट। अब बेसिकली अभी तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ ये देखो कोबाल्ट के पास 6 जगह खाली है, ध्यान से देखो 6 जगह खाली है। तो EN तुम्हें पता है क्या होता है, इथाइलिन डायमीन होता है जिसमें दो नाइट्रोजन डोनर एटम होते हैं। अब ये कितने हैं, दो, यानी कि दो देने वाले हैं कितने, टोटल दो, यानी कि टोटल चार हो गए। तो हम उसको कैसे दिखाते हैं बुक्स में, या तो आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, इथाइलिन डायमीन, इसका मतलब ये देखो मैं बता देती हूँ, NCH2CH2N, इसको ही ऐसे लिखा जाता है तुम्हारी बुक्स में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो एक EN के मॉलिक्यूल ने जगह यहाँ ले ली और एक EN के मॉलिक्यूल ने जगह यहाँ ले ली। अब दो जगह खाली है, आपको पता है सल्फेट में अब क्या होगा, ये भी कर सकता है और ये भी अटैच हो सकता है, तो इसमें क्या होते हैं इस तरीके से, देख पा रहे हो क्या, ये देखो इस तरीके से दो जगह को कौन घेर लेता है, ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे जो सल्फेट है ना वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बाइडेंटेट की तरह से बिहेव कर रहा है। अगर मान लो मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो कोबाल्ट के पास 6 जगह है, 5 जगह अमोनिया ने घेर ली और बाकी एक कौन घेरेगा, सल्फेट, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। क्लियर हो रहा है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ रट्टा मार लो, बस ये देख लो कि बोल कह रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आ रही हूँ पूर्वा, एक बार ये वाला एग्जांपल देख लो। जैसे ये वाला देखो, कोबाल्ट के पास देखो 6 जगह है, 4 अमोनिया घेरेगा, यानी कि कार्बोनेट के दो ऑक्सीजन आके अटैच होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है वो, बाइडेंटेट। यहाँ पे देखो 5-6 जगह खाली है, 5 अमोनिया ने ले ली तो एक कौन लेगा, कार्बोनेट, यानी कि एक ही ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, वो कहेगा दूसरे वाला मुझे आने की जरूरत नहीं है भैया, मेरे लिए जगह है नहीं, तूने अपने 6 कर लिए पूरे, तो यानी कि वो कहेगा मैं यहाँ पे मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर देता हूँ। ठीक है जी, अब पूर्वा आप पूछो, क्या पूछ रही हो, पता कैसे चला कि कोबाल्ट के पास 6 जगह है, कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा जो अपना आने वाला टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपको बिल्कुल यही एग्जांपल याद रखने हैं, आया तो, वैसे तो ना चांसेस आर वेरी रेयर कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट आया तो इसी तरीके से वो पूछ लेगा, बताओ इसमें CO3 कार्बोनेट जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है, या आपसे पूछ लेगा बताओ इनमें से फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन सा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कार्बोनेट एंड सल्फेट्स आर बिहेविंग लाइक अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सी मतलब नाम से ही पता चले, फ्लेक्सीबिलिटी मतलब बहुत ही चिल बंदे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते ही अपनी डेंटिसिटी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, एंड गिव मी थम्स अप, फिर मैं चलती हूँ आगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे। चलें, यस यस मैम, ओके चलो। ओके आगे चलते हैं, हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर, हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये लिखते हैं। ठीक है, देख कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते, पहले आप ये बुक वाली लैंग्वेज देख लो, फिर उसके बाद मैं इसको अपने तरीके से बताऊंगा।
ठीक है देख इसमें इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ पहले सुन लो द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली अटैच आई नो ऊपर से गया है मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो आप ये देखिए कि एक लिगेंड में कितने देने वाले बंदे हैं और वो टोटल कितने हैं समझ में आया जैसे एग्जाम्पल लेके बताते हूँ जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ साइनाइड कैसा है मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है क्या है क्या हो जाएगा टू एक और एग्जांपल ले एक और ले लेते हैं बहुत सारे करेंगे क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं इसके ये है ठीक है अब मुझे बताओ अमोनिया अनिरुद्ध जिससे पूछूं वही बेटा अनिरुद्ध क्या है ये अमोनिया मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है क्या है यस मैम ये क्या है मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट क्या है मैम मोनोडेंटेट ठीक है तो इसकी डेंटिसिटी भी कितनी हो गई वन हो गई और ये टोटल कितने हैं चार चार तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा चार मतलब ये मेटल को किस तरीके से घेरे हुए हैं इस तरीके से देख ये देखो देख पा रहे हो सारे बच्चे शिवा रुक जा बेटा अभी तो मैं और एग्जांपल लूंगी वेट ठीक है इस तरीके से ये क्या कर रहे हुए हैं मेटल को घेरे हुए हैं दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर की मतलब कितने लिगेंड डोनर एटम जो हैं तुम्हारे मेटल से डायरेक्टली अटैच है कितने अटैच हैं चार तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या सोचने की बात है चार अटैच हैं चार दो अटैच हैं दो कोऑर्डिनेशन नंबर अब मैं तुम्हें क्या करूंगी इसका एक फॉर्मूला बता देती हूँ ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा क्योंकि ये तो मैंने बहुत सिंपल वाली बात की मैंने यहाँ पे मोनोडेंटेट लिया तो तुम्हें कुछ नहीं देखना बस ये देखना ब्रैकेट के बाहर नंबर कितना है लेकिन अगर वो मान लो हेक्साडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट बाइडेंटेट कुछ पकड़ा दे उसमें कैसे बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो उसके लिए मैं एक तुम्हें फॉर्मूला तो क्या ही है कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे निकाल लेना तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी कैसे निकालोगे डेंटिसिटी जो लिगेंड है उसकी डेंटिसिटी क्या है और वो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बस उसको मल्टीप्लाई कर देना वही तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एक एग्जांपल लेके बताऊं क्या देख ये तुम्हारे पास एग्जांपल है ठीक है ये एक काम करती हूँ इससे पहले इजी वाला ले लेती हूँ फिर इस पे आती हूँ भाई तुम्हारे मुझे नहीं पता क्या इशू है स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही आई रियली डोंट नो रिजॉइन कर लो देख ये वाला एग्जांपल है ध्यान से सुनना मुझे बस ये बताओ मैंने क्या बोला है आप कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकाल रहे हो इसका निकाल रहे हो ना सेंट्रल मेटल एटम का ठीक है अच्छा अब मुझे ये बताओ डेंटिसिटी किसके देखेंगे लिगेंड की देखेंगे तो मुझे ये बताओ जो ये यहाँ पे C2O4 है इसकी डेंटिसिटी कितनी है लगाऊं चाटा C2O4 की डेंटिसिटी 4 है टेट्राडेंटेट लिगेंड ऑक्सलेट मैम बाइडेंटेट होगा मतलब थोड़ा सा मैंने CO नेगेटिव को घुमा के ऐसे लिख दिया और तुम लोग हो गए जम्मा कंफ्यूज तो यानी कि ये क्या है बाइडेंटेट यानी कि डेंटिसिटी 2 है इसकी एंड नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं टोटल 3 तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया इसका 6 आ गया ठीक है एक और एग्जांपल करते हैं इधर आओ यहाँ पे देखो अब दो तरह के लिगेंड है पहले इसका चेक कर लेते हैं फिर इसका चेक कर लेंगे तो EN कैसा लिगेंड है बाइडेंटेट है क्या यस मैम और ये टोटल कितने हैं EN 2 हैं प्लस मैं फिर बोलू ध्यान यहाँ पे दे लेना अगर ध्यान घुमाया ना सच बता रही हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा प्लस क्लोरीन क्या है मोनोडेंटेट है क्या शिवा
आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। और हैं कितने टोटल क्लोरीन? दो दो तो कितने हो गए? चार और दो छह। तो यानी कि कोबाल्ट का क्या आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर? छह आ गया। यानी कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला क्या करना है? यूज में लेना है। डेंटिसिटी पता लगा लोगे कि मोनोडेंटेट है, डाई है, ट्राई है, क्या है, इनटू टोटल कितने लिगेंड्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स अटैच हैं तो उसमें पहले एक का निकाल लो, दूसरे का निकाल के ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। yes, पक्का हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, हो जाएगा तो तुमसे मैं क्वेश्चन करवा के देखूंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है? गिव मी थम्स अप अगर हो जाएगा तो, नहीं होगा तो भी बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, डेंटिसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी नहीं पता है तो क्वेश्चन भी गया। ठीक है, तुम्हें डेंटिसिटी पता होनी चाहिए लिगेंड की, क्या है, वन है, टू है, थ्री है, और कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है, ब्रैकेट के बाहर कितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस खत्म। अब तुम्हारा दिमाग ऐसा चले कि फोर और ये टू, फोर टू जा एट कर दो, वो फिर गलत हो जाएगा। दो डिफरेंट लिगेंड है तो ऐड कर देना। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये देखो यहाँ पे एक तुम्हें बड़ी काम की चीज मैंने बताई हुई है। देखो इधर यहाँ पे कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, कैन यू सी दैट? यहाँ पे कुछ मेटल्स तुम लोगों के लिए मैंने लिख दिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो जैसे मैंने तुम्हें याद है बताया था कि जो आयरन है वो प्लस टू और प्लस थ्री में ज्यादा देखने को मिलता है, याद करो लेफ्ट लोग को बता के। जनरली ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स दिखाते हैं। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, कोबाल्ट प्लस टू प्लस थ्री में ज्यादा पॉपुलर है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स दिखाते हैं, मतलब सिक्स लिगेंड इनके साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली अटैच होते हैं। ठीक है, निकल का फोर भी होता है, सिक्स भी होता है। ठीक है, प्लेटिनम प्लस फोर और पैरेडियम प्लस फोर में सिक्स में होता है। मैम ये याद करना है क्या? सिर्फ रीड करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे इधर देखो, पैलेडियम और प्लेटिनम अगर प्लस टू में है तो वो फोर दिखाते हैं। ठीक है, तो बस इतना छोटा मोटा ध्यान रखना, लाइक प्लेटिनम का प्लस फोर और प्लस टू का ध्यान रख लेना, आयरन का प्लस टू प्लस थ्री में ध्यान रख लेना, कोबाल्ट का रख लेना और निकल का रख लेना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एजी सिल्वर गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, कॉपर के भी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं फोर और सिक्स में होते हैं, कॉपर प्लस टू के। ठीक है, तो ये तुम्हारे आगे जाके जरूर काम आएंगे, तो मैंने अभी से यहाँ पे डाल दिया, ताकि जब तुम्हें मैं आगे पढ़ाऊंगी कभी तुम्हें देखना हो तो तुम आके देख सकते हो। नोट्स में लिखने की अभी फिलहाल इसको जरूरत नहीं है, समझ में आ गया सबको? नोट्स में अभी लिखने की इसको जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नेट चार्ज कैरी ऑन मेटल एटम। यही तो होगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जो नेट चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम पे, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर किसका बताया? आपके सेंट्रल एटम का बताया ना, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसकी निकालने वाली हूँ यहाँ पे? सेंट्रल एटम की निकालने वाली हूँ। यस और नो? यस यस मैम। वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? नेट चार्ज कैरी ऑन मेटल एटम। अब देखो इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अगर तुम्हें एक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, चार नहीं आया, लेकिन बाकी वाले तो आ जाएंगे, तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है मेरा बेटा Fe(F6)3- नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है एंड वी हैव टू कैलकुलेट, हमें यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ। देखो तुम्हें जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, वो लिख के देगा कि किसकी निकालनी है। ठीक है, या तो वो अंडरलाइन करके देगा या वो ये बोलेगा इसमें सेंट्रल एटम की निकाल दो। तो जिसकी निकालनी है उसको हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब इधर देखो, अब क्या है? फ्लोरीन। आप सबको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन पे कितने का चार्ज होता है, जल्दी बताइए कितने का होता है?
माइनस वन और ये टोटल कितने फ्लोरीन है, वो तो एक फ्लोरीन पे माइनस वन का हो गया, टोटल कितने है? Six. और जो ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर कितना लिखा हुआ है, थ्री माइनस, उसको कितने में लिखोगे, उसको इक्वल टू में लिखोगे, ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस थ्री चिपका देते हैं, इक्वल टू में माइनस थ्री आएगा, तो यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस थ्री निकाल लोगे तो यहाँ पे आयरन किस में मेरा बेटा, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इजी, एक और निकालते हैं, इसका निकाल के देखो, निकल सीएल फोर टू नेगेटिव, यहाँ पे निकल की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको मैं क्या कंसिडर करूं मेरा बेटा, एक्स, ठीक है। अब क्लोरीन पे कितने का चार्ज होता है महेश, क्लोरीन पे मुझे चार्ज बताओ कितने का होता है बेटा, माइनस वन होता है, और टोटल है कितने क्लोरीन, चार, और ब्रैकेट के ऊपर कितना है, माइनस टू का चार्ज है, तो वो इक्वल टू में लिख दूं, तो यानी कि कितना आ गया, प्लस टू, तो यानी कि निकल पे कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, प्लस टू। अब तुम मेरे को आयरन का निकाल के बताओगे, सारे बच्चे आयरन का निकल का निकाल के बताओगे क्या, दो मैंने करा दिए हैं, तीसरा और तुम करो, सारे बच्चे करेंगे, मेरा फेस तो दिख रहा है ना सबको, यस मैम, यस मैम, मेरे फोन में नहीं दिख रहा है मुझे मेरा, ठीक है अभी दिख रहा है, ओके करिए सारे बच्चे, अक्षरा, पूर्वा, चिद्रा, अंकिता, वेरी गुड, करो, नम्रता, जानवी, हैंड रेज कर लेना जब तुम निकाल लो, और ये प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि मैं ये बेटा इरेज करते चलूंगी, फिर कहोगे कि मैम हमारा रह गया, हमने नोट्स में नहीं लिखा, मैंने कहा है एक एक चीज नोट्स में होनी चाहिए इस चैप्टर की, तभी काम बनेगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ छूट जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, करिए ट्राई कीजिए, आया अंकिता क्या निकल के आई बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन से थर्ड में, मैम कर रही बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरा बेटा, प्लस थ्री होगा, अलजिया अपने आप नहीं बताना मेरा बेटा, सिद्रा आप बताओ, मैम थर्ड का माइनस थ्री आ रहा है, माइनस थ्री कैसे आएगा, आपको आयरन का निकालना तो एक्स लिखोगे सिद्रा, यस मैम, साइनाइड पे कितने का चार्ज होता है सिद्रा, वन, ना 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 वन नहीं होता, माइनस वन, माइनस वन ही लिखा था, अगर तुम्हारा माइनस वन लिखा है ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, सिक्स है, सिक्स है, इक्वल टू में क्या लिखोगी, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस सिक्स कितना होता है, माइनस प्लस सिक्स कितना, क्यों बोल रहे हो फिर माइनस थ्री, सिद्धा ठीक है, यस मैम, प्लस मेटल हमेशा इसमें पॉजिटिव, अगर तुम मेटल की माइनस में निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मींस आपने गलत उसको निकाला, ठीक है, मेटल की टेंडेंसी होती है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने की, ठीक है। चलो इसकी बताओ फोर्थ की कितनी आई, जल्दी बोलो फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं, प्लस टू फिफ्थ आई क्या किसी का, फिफ्थ में बताओ निकल की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बेटा ये सीओ कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद करो मैंने क्या बोला था, ये न्यूट्रल होता है, बनाया था क्या स्ट्रक्चर, बनवाया था, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसलिए सीओ को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है वो, ठीक है जी,
और अगर न्यूट्रल है तो इट मीन्स उस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या लूँ फिर, जीरो ही लूंगी। यस मैम। और यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, जीरो, यानी कि निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, जीरो में, जीरो जीरो, यानी कि मेटल की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो ठीक है होती है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ठीक है जी। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे इसका निकालो, जिंक की निकालो, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, प्लस टू। अच्छा, अच्छा नहीं हुआ क्या, अपूर्वा हो गया? यस मैम। क्या आ रही है, प्लस टू आएगी। अरे अमोनिया भी तो न्यूट्रल है ना, ये देखो। यस मैम। अमोनिया पे कोई चार्ज थोड़ी ना है, तो चार्ज नहीं है तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे जीरो का चार्ज होता है और इक्वल टू में क्या आ जाएगा फिर, टू आ जाएगा। चलो ये सेवन करके बताओ, इम्पोर्टेंट है, देख तू कौन निकाल के बताता मुझे। पढ़ लो है ना, तीन बच्चों ने हैंड रेस किया, चार ने, और सीओ की निकालनी है। हाँ कोबाल्ट की निकालनी है ना, वही है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल, सीओ इज योर कोबाल्ट। बाकी बच्चों का नहीं आया क्या, अक्षरा पूर्वा, अच्छा अक्षरा का तो आ गया, पूर्वा मोनिका महेश कितना आ रहा है, -3। माइनस तो निकाल रहे हो तो मतलब समझ लो गलत है, मेटल पे माइनस का चार्ज कब से आने लग गया पहले तो तुम लोग ये बताओ। मोनिका क्या आ रहा है, जीरो, C2O4 ना, गलत गलत है बेटा, ध्यान से चेक करो। अक्षरा मैम +1, गलत। अंकिता देख तू सही किसने दिया, अंकिता +3, कैसे निकाला +3 मैम, पहले कोबाल्ट को एक्स माना और जो C2O4 होता है उसका -2 होता है और फिर उसको 3 से गुणा कर दिया और बराबर करके -3, समझे -6 सारे समझे। अपना ये C2O4 भूल गए क्या, वही तो है अपना बाइडेंटेट। यस मैम। कितने का है चार्ज, -2 का चार्ज है ना, तो -2 का अगर चार्ज है तो टोटल कितने है? एक पे -2 का है, टोटल 3 है, तो कितने का -6 का हो जाएगा और इक्वल टू में क्या लोगे -3, तो कोबाल्ट इसमें कितने है +3, +3 हो जाएगा। अक्षरा अपूर्वा हाँ जी मैम, मैंने 3 की जगह 2 ले लिया था। अच्छा तो फिर देख के लिखो ना ध्यान से। यस मैम। ठीक है हो जाएगा, सबसे जल्दी बताओ। यस मैम। अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनो इधर आओ, अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में ले रहे हो मतलब आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि लीगेंड तो माइनस में होगा, लीगेंड पे या तो चार्ज नहीं होगा, समझ रहे हो ना, या फिर होगा तो माइनस का होगा। ठीक है, कुछ कुछ लीगेंड्स होते हैं जिन पे +1 का चार्ज होगा, वो बाद की बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मेटल पे आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है क्या? ठीक है। यस मैम। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट, इनको लिख लो अपने नोटबुक में, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये लिखा है ना +3 +2 +3, कल दोबारा सोल्व करने बैठोगे ना मुझसे, दोबारा पूछोगे मैम कैसे बताया था CN पे, मैम क्या चार्ज था, तो आज ही लिख लो सारी चीजें ताकि कुछ भी ना रह जाए। ठीक है, अब मैं इसको हटा लू, क्योंकि अब दो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप लोगों को याद है मैंने आपको एक ब्राउन रिंग टेस्ट का, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताया था, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो।
ये वाला था, याद हो तो ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है वो क्या ले लो आप, एक्स ले लो, ये क्या है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, आपके पास डायरेक्ट आता है, बताओ भाई ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो आपको समझ जाना वो किसकी पूछ रहा है, आयरन की पूछ रहा है। तो आयरन को क्या मान लूंगी मैं, एक्स मान लूंगी, प्लस वॉटर न्यूट्रल है तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको याद करो बताया था कि एनओ के दो बिहेवियर है, एनओ न्यूट्रल की तरह भी बिहेव कर रहा है और एनओ पे प्लस वन का भी चार्ज है, याद करो कि टाइनिक लिगेंड भी है ये और न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसमें मेरा बेटा क्या होता है, जो एनओ है वो यहाँ पे अपनी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, कौन सी दिखाता है, प्लस वन। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एनओ कैसे एग्जिस्ट करता है एज अ प्लस वन, प्लस वन ठीक है, एनओ एनओ प्लस की तरह बिहेव करता है, प्लस वन दिखाता है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, देखो या तो ऐसे कर लो, हाँ देखो इधर देखो, यहाँ पे सल्फेट पे क्या आएगा, माइनस टू का चार्ज होगा तो कॉम्प्लेक्स पे क्या छोड़ के जाएगा, प्लस टू का चार्ज छोड़ के जाएगा, यानी कि इक्वल टू में टू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी कि आपके जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है कि आपके सैंपल में नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है या नहीं है, उस केस में जो आपका सेंट्रल एटम है दैट इज Fe, उसमें वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाता है। ऑल्दो आयरन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस टू और प्लस थ्री, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में वो क्या दिखाता है, प्लस वन दिखाता है। तो इसका ये ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से आता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही कलर आता है, जो मैंने आपको याद करो डीएनएफ लॉग में कहा था, कोऑर्डिनेशन में समझाऊंगी अभी आगे आने वाले टाइम में, वो मैं दोबारा बोलूंगी ठीक है। ये तो हो गया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तुमने लैब में देखा है कभी, ये कभी किसी ने देखा, सल्फर की डिटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर हमें पता करना है कि हमारे सैंपल में सल्फर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल है वो डालते हैं, उसके ऊपर से ड्रॉप वाइज हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की ड्रॉप डालते हैं, अगर वो पर्पल कलर आ जाता है टेस्ट ट्यूब में तो हम पता लगा लेते हैं कि भैया हमारे सैंपल में सल्फर प्रेजेंट है ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये होता है फॉर्मूला Na2FeCN5NO ठीक है। अब तुम यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे इधर देखो, ये देखो मैं ऊपर निकाल के दिखाती हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है, इधर देखो मेरे बेटा, यहाँ देखो सोडियम पे कितने का चार्ज होता है, प्लस वन का है, कितने टू टू, प्लस आयरन पे निकालना एक्स ले लूंगी, साइनाइड पे माइनस वन का होता है कितने फाइव, और यहाँ पे भी एनओ किसकी तरह बिहेव करता है, याद रखना है तुम्हें प्लस वन की तरह बिहेव करता है। अब तुम कहोगे मैम इसका तो मुझे रीजन बताओ क्यों मैम एनओ यहाँ पे प्लस वन दे रहा है, फिर इसके मैं कहूंगी फिर इसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी कि कहाँ पे एनओ प्लस वन की तरह बिहेव कर रहा है, कहाँ पे आपका न्यूट्रल की तरह बिहेव कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस मैम आ रही हूँ मेरा बेटा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी, प्लस टू आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी बता रही हूँ मैं इसकी, हाँ बोलो तमन को। मैम आपने अभी बताया कि जो ऊपर वाला था उसमें जो काउंटर आयन था वो टू टू प्लस का चार्ज छोड़ के जाएगा, तो जब ये जाएगा मतलब ये भी तो काउंटर आयन है ना सोडियम, तो अगर ये टू प्लस सोडियम पे क्या हो जाएगा, प्लस वन और दो ये है प्लस टू, तो ये कितने का छोड़ के जाएगा, टू माइनस का छोड़ के जाएगा। यस मैम, हाँ आप वैसे भी कर सकते हो, ये लो मैं इसको प्लस टू की जगह यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस टू, लो अभी भी वही आएगा। ओके मैम ठीक है, यस मैम, जल्दी से इतना नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे चलते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसके बाद ठीक है, जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए, सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हो गया। चलो उसके बाद लिखो, हेडिंग डालो होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेडिंग डालेंगे होमोलेप्टिक एंड
हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स. नाम से ही पता चल रहा है होमो मतलब शिवा. सेम सेम मैम. हिट्रो मतलब डिफरेंट मिक्सचर. डिफरेंट सेम मतलब होमो मतलब सेम. होमोलिप्टिक मतलब सेम टाइप ऑफ लिगेंड होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. हिट्रोलिप्टिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड होंगे जैसे कि क्रोमियम NH3 6. अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो सेम टाइप के लिगेंड है अमोनिया तो ये किसका एग्जांपल है होमोलिप्टिक का. अगर मान लो ये दे रखा है तुम्हें तो यानी कि देखो एक अमोनिया के टाइप का मतलब एक अमोनिया लिगेंड है यहाँ पे 5 अमोनिया और एक क्लोरीन है यानी कि डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको हम क्या बोलेंगे हिट्रोलिप्टिक. Easy? Yes, bookish language पढ़ना चाहते हो तो एक बार इसकी bookish language भी देख लीजिए. वो बोल रहा है कि complex जिसमें in which a metal is bound to only one type of donor atom वो आपका homoleptic हो जाएगा. जिसमें एक से ज्यादा type of donor atom present होंगे वो heteroleptic हो गया. जैसे इसमें देखो ammonia भी है और bromine भी है. हाँ जी बेटा जो आपने दूसरा एग्जांपल दिया ना उसमें हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि टू लिगेंड्स हैं मतलब वो काउंटर आयन की तरह नहीं होगा फिर काउंट. काउंटर आयन बेटा ब्रैकेट के बाहर वाले होते हैं. यस मैम. समझ रहे हो ना सारे बच्चे ब्रैकेट के बाहर वाले आयंस को हम काउंटर आयन बोलते हैं अंदर वाले को नहीं बोलते. ठीक है तो अंदर हमारे दो टाइप के लिगेंड है मेरा बेटा. ठीक है चलो आर यू रेडी क्वेश्चंस करें. अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं. चलो पहला क्वेश्चन पहला सोच रही हूँ मैं करवा दूं बट आई वॉन्ट कि आप लोग एक बार ट्राई कीजिए. आपसे पूछा है इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में से निकल में कौन से केस में निकल में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो. समझे गए कि नहीं समझे गए. क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना क्या पूछ रहा है वो. यस मैम. इस केस में निकल में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. चलो फिर निकालो आराम से निकालो. फिर से बोलो. चलो एक काम करो तुम खुद कर लो जितना तुम निकाल पा रहे हो फिर मैं करवाती हूँ इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे. पहले तो तुम इसका निकाल लो निकल में क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ए में. ये तो मैंने निकलवा भी दिया तुम लोगों को. जीरो जीरो प्लस टू. ठीक है और तुम्हें क्या समझ में आ रहा है ये वाला बताओ. मैम प्लस टू. प्लस टू होगी. अब दो ये आ जाए इसमें हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे. एक बात बताओ ये BF4 है. ठीक है इसको हम कैसे लिखेंगे. BF4 नेगेटिव होता है ये क्योंकि बोरोन क्या बनाता है 3 बोन बनाता है ना. तो चार बना रहा है तो उस पर नेगेटिव आएंगे टोटल कितने 2. तो यानी कि 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा इस तरीके से. ये देखो मतलब 2 नेगेटिव का मतलब क्या होगा टोटल क्योंकि एक BF4 पे -1 का होगा तो टोटल यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे कितने का छोड़ के जाएगा वो 2+ का. तो यहाँ पे भी निकल किसमें हो जाएगा +2 में. ठीक है चलिए अब इसमें आइए ये कैसे दिख रहा है देखना एक बार. एक ये कॉम्प्लेक्स है और एक ये है. ये कैसे बना होगा जब यहाँ पे नीचे 3 आया होगा यहाँ पे 2 आया होगा तो ये ऐसे क्रिस क्रॉस बन के बना होगा ना कि 2 इसके पास चला गया 3 इसके पास चला गया. बताइए हाँ या ना. ऐसे ही तो बनते हैं ना 9-10 में पढ़ते थे. यानी कि इस पे कितने का चार्ज होगा फिर 2 नेगेटिव का होगा. बोलो ना. यस मैम. इसको मैं कैसे लिखूंगी देखो ऐसे लिखूंगी
ध्यान से देखना सारे बच्चे, मजबूरी में यस मैम मत बोलना बस सारे। ये देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, 3+ टोटल कितना है, 6 का चार्ज हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे आपा को किसकी निकालनी है, निकल की निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज x कितना आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा। तो निकल क्या है यहाँ पे, प्लस 4 में है। क्रोमियम की पूछता तो क्रोमियम किस में है, प्लस 3 में है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको दिख जाए तो ये मत सोच, मतलब ये मत सोचा करो मैम हो इतना मुश्किल है। अगर मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने आने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम आपको, हाँ जी बेटा। मैं मतलब ऑप्शन ये करना है कि जो इक्वेशन दी होंगी उनको बैलेंस करके जहाँ पे निकल दिया वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, दूसरी साइड के वाले में कुछ नहीं हमने मतलब चेंज करना। हाँ, उसका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अपने से निकल की पूछ रखी है, तो आपको ए बी सी डी में निकल की निकालनी है। ठीक है, यस मैम। हाँ, निकल जाएगा क्या, कुछ नहीं करना, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दिया होता 2 और 3, तुम्हें इसको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बेटा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 का चार्ज है तो यहाँ पे -6 का होगा ना, तो यानी कि इस पे कॉम्प्लेक्स पे -2 का चार्ज होगा, तो इस तरीके से निकलेगा। जल्दी से भाई मेरे को एक थम्स अप दो भाई, तुम्हारा आधे बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला। तो इस पे क्या करो, स्टार मार्क कर लो। जानवी क्लियर हो गया, अपूर्वा, अक्षरा, यस मैम, गीता, दीपिका, चांदनी, प्रखर, अलजिया, गिरिजा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, हैंड रेज कर लेना, फिर भी नहीं पल्ले बड़ा तो दोबारा पूछ लेना क्लास के बाद। शाबाश अपूर्वा, मोनिका, तमनप्रीत, जानवी, अंकिता, वेरी गुड। और बच्चे, वेटिंग वेटिंग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड का भी नहीं है सवाल, बताओ। वेरी गुड, शाबाश। गिरजा आएगा, इस नेटवर्क इश्यू हो रहा है तुम्हारा। ओम आया है क्या, ओम नहीं है ना आज की क्लास में, ओके। कौन बताएगा मुझे, अक्षरा बताएगी क्या? हाँ अक्षरा, प्लस टू है मैम, प्लस टू कैसे किया, क्रोमियम की निकालनी, इसको एक्स मान लिया और NH3 न्यूट्रल रहता है तो इसका जीरो आ जाएगा। हाँ, फिर क्लोरीन की, क्लोरीन बनता पे कैलकुलेशन ही गलत कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस 3 आएगा इसका आंसर। क्लियर है सबको, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, साथ ही साथ उसके कोऑर्डिनेशन नंबर दिए हुए हैं, आपको निकालना है एंड प्रॉपर मैचिंग करनी है। आराम से निकालना,
देखो बूंद बूंद से सागर बनता है बेटा, है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो धीरे 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 आगे चलेंगे ना, तभी तुम्हारा ये चैप्टर स्ट्रोंग होगा। अगर पूरे चैप्टर में से एक भी टॉपिक तुम्हारा वीक रह जाएगा ना, मैं सच बता रही हूँ, पूरा चैप्टर पानी में चला जाएगा। मैं इतना जोर इस पे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट और विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से तुम आगे का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कह रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पढ़ पाओगे। हर एक टॉपिक में, बीबीटी में, सीएफटी में, वर्नर थ्योरी में, हर जगह इनका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज आने वाला है। तो इस पे तुम्हारी ग्रिप होनी चाहिए मेरा बेटा। जानवी आप बताइए, ए का क्या निकाला? ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन बता दो, ऑप्शन बता दो। चलो ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी ही आ रहा है क्या सबका? मैं देख लेती हूँ। yes, ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू वन, यानी कि अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है, तो ये तो टू ही हो जाएगा ए का, है ना, यानी कि ए का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये फोर हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा, ठीक है। फाइव तो देखो किसी का ऑप्शन ही नहीं है, तो घबराना मत कि मैम सेकंड तो दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, होगा ही नहीं किसी का, तो देगा क्या वो, ठीक है। इसलिए दो ऑप्शन के आंसर क्या है, सेम है, क्लियर है क्या? ऐसे भी आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन, अरे ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, करना इसको। ये देखो तुम्हारे लिए क्या किया एग्जामिनर ने, लिख भी दिया ऑक्सीलेटर होता है, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि वो हर बार लिख के देगा, ठीक है। चलो करो, मैम OH में कितना चार्ज रहेगा? बेटा ये OH नहीं है, ये OH2 है, दिस इज वाटर, उसने जान करके घुमा के लिख दिया इसको, ठीक है शिवा? यस मैम। वेरी गुड तमनप्रीत, अपूर्वा, मोनिका, अंकिता, शाबाश, शाबाश, शाबाश जानवी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये चैप्टर कब खत्म हो गया। वेरी गुड, शाबाश गिरिजा, आप बताइए। मैम ऑप्शन सी, सिक्स आ रहा है। यस मैम। ओके ठीक है, अपूर्वा एट आ रहा है। और कोई है जिसके अलग अलग आ रहे हैं 14 और 10? यस मैम। क्या रहा तुम्हारा? Yes, ma'am. 10 मतलब 14 किसी का नहीं आ रहा, तो 14 तो गया हमारे उससे, है ना, डिक्शनरी से गायब है। ओके तो 10, 6, 8 आ रहा है। इधर आओ, आपको किसका निकालना है? थोरियम का निकालना है ना, तो क्या करना है आप लोगों को, फॉर्मूला लगाना है डेंसिटी इंटू, वो थोड़ी कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी मैं, मैंने कोई बात मेरे साथ जो भी वही हुआ था पहले वाले क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बेटा सबसे पहले इसकी बात करूं तो C2O4 की गिरिजा डेंटिसिटी क्या होती है मेरा बेटा? 2 होती है ना, तो आई थिंक तुम इससे मल्टीप्लाई करना भूल गए, तुमने सिर्फ 4 ले लिया और टोटल कितने ले गए ना, 4 प्लस वॉटर कैसा है, वॉटर की डेंटिसिटी क्या है, 1 है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, टोटल कितने लिगेंड है, 2 8 प्लस 2 कितने हो गए, 10 बताओ ये नीट का PYQ के होने के लायक था या नहीं था? यस मैम, लिख लिया,
अरे नहीं बाबा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, ठीक है ध्यान दो क्या पूछा है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अब ये तुम करोगे और किसी ने ये ठीक कर दिया तो आप लोगों को क्या मिलेगा, टॉफी। कौन सी वाली खाते हो टॉफी, कौन सी खाते वाली खाते हो टॉफी, खाते नहीं ही नहीं हो, ना फिर क्या खाती हो, मैम। नमकीन खाती हो, नमकीन ठीक है नमकीन मिल जाएगा फिर। ये क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे, दिस इज ऑल्सो नीट का PYQ। पल्स मेरे को भी अच्छी लगती है पल्स। आराम से सोच समझ के करिए। इतना टाइम नहीं लूंगी भाई, बताओ मोनिका क्या किया है, कैसे किया बेटा। मैम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला ना, तो यहाँ पे इन है वो बाइडेंटिटी है, तो इसका टू आएगा, इसकी डेंसिटी डेंसिटी इंटू टू कर दिया, फोर हो गया। यहाँ पे C2O4 है, वो भी बाइडेंटिटी है, तो यहाँ पे टू आएगा ना, तो यहाँ पे तो आ जाएगा इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ई को ई की निकालनी थी ना, तो ई को लिख लिया एक्स प्लस माइनस इसकी ई एन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी 2, एंड फिर उसको 2 × 2 कर दिया, एंड C2O4 की लिखी -2, एंड फिर आंसर निकाल के 6 और 3 आ रहा है। EN बेटा न्यूट्रल होता है, इथाइलिन डायमीन इज योर न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे 0 होगा, ये इसका -2 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा +2। यस मैम, आ गया बाकी का, जानवी, अंकिता, गिरजा, रमनप्रीत, शिवा, प्रखर, अनिरुद्ध, नम्रता, काजल, अच्छा काजल का तो स्क्रीन ही नहीं दिख रहा होगा, चांदनी, बताओ आया कि नहीं आया, आ गया मैम। बोलो ना फिर। अच्छा थम्स अप दे रहे हो क्या, हाँ ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, करो भाई। अब तुम्हें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं मालूम होगा ना, ये मैं करा देती हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है, अभी नहीं बताया तुम लोगों को, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है EDTA के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए विद कैल्शियम के साथ, तो किस तरीके से बनाता है ये देखो। कैल्शियम की 6 साइट खाली है यहाँ पे, आपको पता है EDTA में कितने डोनर एटम होते हैं, 6 होते हैं, 4 नाइट्रोजन और सॉरी 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन को मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, और ऑक्सीजन को मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, होगा क्या यहाँ पे, क्या होता है याद करो, CH2 C यस OO नेगेटिव होता है, उसने इसके साथ रिंग बना ली, यहाँ पे भी CH2 C OO नेगेटिव होता है, रिंग बना ली, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ, O नेगेटिव है ये, तो CO CH2
ये एन के साथ बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ पे आई नो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आप रट्टा ना मारो इसका, सीओ सी एच टू इस तरीके से। तो यानी कि आप देख रहे हैं किस तरीके से चारों की जो छह की जो छह जगह थी वो ऑक्यूपाई हो गई, चार ऑक्सीजन ने डोनेट किया और दो नाइट्रोजन ने। यानी कि कितने एडीटीए मॉलिक्यूल चाहिएंगे? वन चाहिएगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं छह डोनर एटम होते हैं, चार ऑक्सीजन होते हैं और दो नाइट्रोजन होते हैं, तो छह जगह को घेरने के लिए एक ईडीटीए का मॉलिक्यूल काफी है। वाई छह जगह? क्योंकि इसने बोला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी आपको आगे जाके पता चलेगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल पूरा हुआ आएगा, जो तुम पढ़ते थे ना केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन वीएससीपीआर थ्योरी, यहाँ पे आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आएगा, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे दो एक दो क्लासेस के बाद। ठीक है, ये वाला करो क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दी करो। बताओ भी ट्राई इन क्या है? सिद्रा मैम सी, ट्राई इन क्या है? ट्राई इथाइलिन डायमीन, डायमीन है टेट्रामीन। तो यहाँ पे कितने लिगेंड है, मतलब चार है, तो टेट्राडेंटेट होगा। क्या ये न्यूट्रल है क्या ये डायनायनिक है? ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज थोड़ी ना इस पे। न्यूट्रल ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? बेटा जो आपका ईएन होता है वो न्यूट्रल होता है, रिवाइज करना इन चीजों को। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं, अनायनिक मोनो अनायनिक का मतलब एक नेगेटिव चार्ज, डायनायनिक का मतलब दो नेगेटिव चार्ज, जैसे ऑक्सलेट हो गया। ठीक है चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है चिलेटिंग लिगेंड। अब मैम ये क्या होता है? देखो चिलेट लिगेंड वो होते हैं जिनकी डेंटिसिटी दो या दो से ज्यादा होती है। चिलेटिंग लिगेंड कौन से होते हैं जिनकी डेंटिसिटी दो या दो से ज्यादा होती है? जैसे आपका ऑक्सलेट हो गया, चिलेटिंग लिगेंड है। इथाइलिन डायामीन हो गया, चिलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, जिनकी डेंटिसिटी दो या दो से ज्यादा होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अपने डोनर एटम्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंगल एटम सिंगल मेटल आयन के साथ जोड़ के रिंग बनाते हैं। बेसिकली चिलेटिंग लिगेंड क्या करते हैं, मतलब मेरी लैंग्वेज में समझो, चिलेटिंग लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के साथ जुड़ के रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उनको चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो प्रोसेस होता है ये पूरा उसको हम बोलते हैं चिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ में किलेशन बोलते हैं, तो मर्जी चिलेशन बोलो किलेशन बोलो। ठीक है, जैसे इथाइलिन डायमीन है, इधर देखो मेरा बेटा, इसको मैं कैसे बनाऊंगी, NH2 CH2 CH2 NH2। अब आपको पता है ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है, किस तरीके से मेटल के साथ होगा, ऐसे होगा। कितने मेंबर रिंग बना रहा है ये? थ्री मेंबर्स, 1 2 3 4 5। तीन कहाँ बना रहा है भाई, पांच बना रहा है। अच्छा एक और ले लेते हैं, ऑक्सलेट आयन ले लेते हैं, ये भी देखो मेटल के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कितने मेंबर रिंग बन रही है, फाइव। और बेटा अगर तुमने ऑर्गेनिक में कभी पढ़ा हो या मैंने भी थोड़ा कभी बताया हो तुम लोगों को, 5 और 6 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है 3 4 से और 7 8 से, इसीलिए ये बन रहा है। और ध्यान रखना जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन लिखो सारे बच्चे, लिखो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ चिलेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2023 में क्वेश्चन आया था, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स हैविंग मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड तो रिंग बना नहीं पाएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am.
ये बना पाएंगे, क्योंकि फाइव और सिक्स मेंबर जब रिंग बनती है तो वो स्टेबल होता है, रिजिड सिस्टम होता है। मैम थ्री और फोर क्यों नहीं होते? ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको जनरल नॉलेज देने के लिए। आप मुझे ये बताओ, जो ये थ्री मेंबर रिंग मैंने सबसे पहले बनाई है उसमें एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। यस मैम। जबकि इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन इसकी? sp3 और sp3 के लिए 109 डिग्री एंगल चाहिए होता है मुझे, लेकिन मिल कितने का रहा है? मिल कितने का रहा है? 60 डिग्री। यानी कि सिस्टम में क्या है जानवी? स्ट्रेन है, स्टेबल नहीं है। इसलिए ऑर्गेनिक अगर तुमने पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो तुमने पढ़ा होगा जहां पे भी थ्री मेंबर रिंग आ जाती है वो स्टेबल नहीं होता, ओपन होती है वो रिंग अपने स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए। ऐसे यहाँ देखो फोर मेंबर रिंग 90 डिग्री का एंगल है, जबकि इसको चाहिए कितना? 109। ये भी बेचारी ठीक है, इसमें देखो एंगल बढ़ता जाएगा। yes, यानी कि ये टेट्राहेड्रल के क्लोज टू द जा रहा है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल भैया अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, रिजिड है, और रिजिड सिस्टम स्टेबल होता है। तो इसीलिए वो वाले कॉम्प्लेक्सेस जो चिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से वाले लिगेंड्स होते हैं जिनकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है? आप उनको पॉलीडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लिगेंड मीन्स जिनकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो वो चिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे ज्यादा रिंग कौन सी वाली स्टेबल होती है? 5 और 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होंगे वो, अगर आपके पास मान लो 2 कॉम्प्लेक्स है, एक वो कॉम्प्लेक्स जिसमें चिलेटिंग लिगेंड होगा, एक वो कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ मोनोडेंटेट होगा, वो आपसे पूछेगा बताओ भाई कौन सा स्टेबल है, तो कौन सा बोलोगे? ठीक है, आगे आते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। नेक्स्ट अपनी जो फर्स्ट थ्योरी आ रही है दैट इज वर्नर थ्योरी। यहाँ पे आज इस चैप्टर की सबसे पहली मैम चिलेटिंग, एक हाँ मेरा बेटा, क्योंकि 5 और 6 मेंबर रिंग में क्या होता है ना, स्ट्रेन नहीं होता गिरजा, ठीक है। तो कहीं पे भी 5 और 6 मेंबर रिंग बन रही है दैट इज स्टेबल, ठीक है। yes. क्योंकि 3 और 4 मेंबर रिंग हम क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमें दिख रहा है उसमें स्ट्रेन है। अगर आप वो बोन बना रहे हो वो स्टेबल ही नहीं, आगे जाके वो ओपन हो जाएगी बिकॉज उसको स्ट्रेन रिलीज करना है। बट अगर कोई रिंग 5 और 6 बना रही है तो वो स्ट्रेन फ्री है, उसमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं है, बहुत कम है, तो वो आराम से बनेगी। जब तुम आगे पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक में, तुम एल्डोल कंडेंसेशन में काफी सारी चीजें बताऊंगी, तो वहां पे 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग बहुत सारी बनेगी, तब तुम देखोगे फ्रीक्वेंटली 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग मैं बनाई जा रही हूँ, लेकिन जहाँ 3 और 4 मेंबर रिंग बन रही है वो स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारी फर्स्ट थ्योरी है इस चैप्टर की वर्नर थ्योरी। जो वर्नर थ्योरी है मेरा बेटा, वर्नर जो बंदा था अल्फ्रेड वर्नर, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर बोला जाता है और इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि इसने जो ये थ्योरी है ना वो पता है कब दी थी? जब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था तब उसने ये थ्योरी दी थी। यानी कि इसकी जो थ्योरी है वो जस्ट इमेजिनेटिव और हाइपोथेटिकल थ्योरी है, मतलब थ्योरी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। कुछ कुछ एविडेंसेस आए थे, पहले इसने अपनी बातें बोली, फिर उसने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे कि हाँ ये चीजें हो रही है, ये चीजें हो रही है। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था उससे ही पहले इसने ये वाली थ्योरी दे दी थी, ठीक है। इसने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, स्पेशली इसने कोबाल्ट और अमोनिया के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, सब कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ये नहीं बता पाया था। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर इसकी लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, क्लियर है सबको? अब क्योंकि ये थ्योरी है तो इसके पोस्टुलेट्स भी होंगे, है ना, कोई थ्योरी आती है तो पोस्टुलेट्स भी होंगे। तो इसके दो, ये दो मैं अब सच बता रही हूँ, निहायत ही इजी थ्योरी है, बहुत ही इजी थ्योरी है, बस ध्यान से सुनना है तुम लोगों को। वो कह रहे हैं इसने जो अपनी बातें बोली तो इसने ये देखा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, मतलब जिन कुछ गिने चुने कॉम्प्लेक्सेस पे इसने काम किया था, उसने बोला कि ना दो तरह की वैलेंसीज कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोजेस करता है,
एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी वैलेंसी मतलब पहले जमाने में प्राइमरी वैलेंसी बोलते थे, अब उसका नाम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग, जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, और ये तुम सबको निकालने आता ही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को हम, ये छोड़ दो कंफ्यूज हो जाओगे, प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं, मतलब जब हम पानी में डालेंगे तो वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज ये बोलता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है बाय नेगेटिव आयंस। मैम ये क्या मतलब है, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, जो हम लिगेंड लेंगे ना जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो डिसाइड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और वैसे तुम्हें पता भी, अभी मैं एक एग्जांपल लेके भी दिखाती हूँ। और जब ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ अटैच होगा ना, तो ये हम इसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ऐसे 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 दिखाएंगे। तो यानी कि मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, प्राइमरी वैलेंसी, वर्नर थ्योरी ने कहा कि भैया दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं कंपाउंड्स, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं है, बस क्या है, बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन खोल के बैठो वरना चला जाएगा सर के ऊपर से, क्योंकि बहुत इजी थ्योरी है, सेंट्रल मेटल आयन। दूसरी चीज क्या बोलता है वो, कि ये आयनाइजेबल होती है, पानी में डालोगे तो भैया आयनाइज हो जाएंगे। तीसरी चीज क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं पे भी इसको आप दिखा दो, ठीक है। अच्छा और क्या बोलता है ये, एक लाइन बोलता है सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं होगा, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, आयनाइजेबल होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, ये अभी मैं अभी जस्ट अभी दो मिनट दो मैं बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोलते हैं, हो सकता है एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दे रखा हो। सेकेंडरी वैलेंसी भी घबराने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेट, तुम्हारा काम आसान। इसको क्या बोलते हैं, पहले के जमाने में सेकेंडरी वैलेंसी, वर्नर के टाइम पे, अब हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल आयन का। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख रही हूँ, तुम भी बना सकते हो, या इसके जो पैराग्राफ लिखा उसका पॉइंट बना लो। तो मैं तो ऐसे लिखती हूँ, शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने हो साथ साथ तो मैं ऐसे लिखूंगी, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी बन जाए। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड चीज, ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। और जो डायरेक्शनल होता है नेचर में, वो हमें क्या बताता है, शेप और ज्योमेट्री बताता है कॉम्प्लेक्स की, कि कैसा दिखता है वो। याद है जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी कि ब्रैकेट के बाहर वाले काउंटर आयंस होते हैं जो आयनाइजेबल होते हैं, तो वही तो है प्राइमरी वैलेंसी, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, तो वही तो हमें बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेटिस्फाई करता है बाय इधर नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो सकता है। मैम ये भी समझ में नहीं आया, आई नो दैट, कोई बात नहीं, बाकी तो आ गए ना चार समझ में, इसको मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। और जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम डॉट इससे दिखाते हैं, थिक लाइन से दिखाते हैं। अभी मैं ये सारा आगे बना के दिखाती हूँ, पहले आप इतना लिख लीजिए, बस अपने बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, चल क्या रही है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर, ठीक है, चलो। पहले ये कहां से आ गया, ओके, इसको मैं एक्सपेरिमेंट पे काम करती हूँ, बाद में कराती हूँ, यहाँ पे आओ। जैसे मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स है CO NH3 6 CL3, ठीक है, या एक काम करते हैं यही पढ़ लेते हैं पहले, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है।
देखो अभी तक मैंने क्या बोला, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था, इसके वर्णा थ्योरी के एविडेंसेस क्या थे, प्रूफ क्या थे कि जो ये बातें बोल रहा है इसने कुछ क्या करके देखा। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको प्रेसिपिटेशन एंड कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इसमें क्या देखा गया मेरा बेटा, उसने कुछ कुछ कंपाउंड्स लिए, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं, इसने कुछ कुछ कंपाउंड्स लिए, ठीक है, जनरली इसने किसकी बात की थी, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी, जो इसकी आगे जाके लिमिटेशन भी होगी। तो जब इसने ना कुछ कंपाउंड्स की बात की और जब इसने उनकी रिएक्शन कराई सबकी एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सबने सबकी, इसकी भी, तो इसने देखा बेटा ऐसे वाले कंपाउंड्स में देखने को मिला, यहाँ पे 3AgCl मिल रहे हैं, इसमें देखने को मिला कि भैया 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, इसमें देखने को मिला कि भैया 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, इसमें देखने को मिला तो भैया उसको दिखा कि 0, 1 भी नहीं मिल रहा, समझे। इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, इसने रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। तो इसने देखा सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब इसने रिएक्शन कराई तो मेरा बेटा इसने देखा कि फर्स्ट केस में तो भैया 3 मोल ऑफ AgCl मिले, सेकेंड वाले केस में 2 AgCl मिले, थर्ड के केस में 1 मोल मिला, तो ये क्या चल रहा है मां, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लू मेरा बेटा CO, अगर मान लो तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करूं, पानी में डाल दूं, तो तुम्हें पता है ना क्या मिलेगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यही मिलेगा, कंफर्म कीजिए सारे बच्चे जितने बैठे हो यहाँ पे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैं इसकी एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराती हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो डिसोसिएट होने से रहा, लेकिन पानी में मुझे Cl के आयंस मिल गए हैं, तो मुझे कितने AgCl मिलेंगे मेरा बेटा, 3। और यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, टोटल कितने आयंस मिले सॉल्यूशन में, सारे बच्चे बताएंगे, 6 अच्छा, अगर मुझे मान लो प्राइमरी वैलेंसी बतानी हो तो क्या होगी, कोबाल्ट की बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ कोबाल्ट की, प्राइमरी वाली निकाल लो पहले सारे, टेक योर टाइम प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो ये कितनी आ रही है, +3 आ रही है, यानी कि देखो आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, 6 होगी, यस मैम, क्योंकि बाहर अंदर वाली जो है वो नॉन अनेजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने एक लाइन बोली थी, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, अब तुम बस मुझे ये बता दो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें आपका क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, क्लोरीन का चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है ना, X-3, यस मैम, इसलिए तो उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है, बस यही मतलब था, और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगेंड या नेगेटिव आयंस, तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है कोऑर्डिनेशन नंबर में, सारे के सारे अमोनिया का, इसलिए उसने ये लाइन बोली थी, देखो सेटिस्फाई बाय इधर नेगेटिव आयन, जो कि अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगी उसमें तुम्हें पता चलेगा, और या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो NH3 यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर में किसका कंट्रीब्यूशन है, इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका कंट्रीब्यूशन है, इसका, यही समझना है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 0, 0 मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रही है और सेकेंडरी वैलेंसी, ऐसा तो 0 ही है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और अमोनिया यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी को कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मेरा बेटा, क्योंकि डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, तो ये हमें क्या बताता है, सेकेंडरी वैलेंसी,
स्ट्रक्चर बता दे तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो 6 अमोनिया है ना, इस तरीके से लग जाएंगे 6 अमोनिया। और सेकेंडरी वैलेंसी को मैं किससे दिखाती हूँ, थिक लाइन से दिखाती हूँ, बोलो। हाँ शेप या बोल दो ज्योमेट्री मेरा बेटा। तीन सीएल को कैसे दिखाऊंगी, प्राइमरी वैलेंसी है ना, तो मैं उसको कैसे मर्जी दिखाना है, डॉटेड लाइन से दिखा दो, कैसे मर्जी दिखा दो, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं होती इनकी। ठीक है, अभी आगे जिसको भी डाउट है मैं अभी एक दो एग्जांपल और बताऊंगी, उसमें और क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो, मान लो मैंने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये वाला ले लेते हैं। मैम आप ये कैसे बना रहे हो, हमें तो नहीं पता, धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा विद टाइम। ठीक है, अगर मैं इसको पानी में डालूंगी तो क्या होगा मैम, 2Cl नेगेटिव प्लस जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारा 2+। बेटा आई वांट कि सारे बच्चे, वैसे बहुत कम बच्चे बचते हैं लास्ट क्लास में, तो बहुत कम, बहुत ही कम, 20 बच्चे भी नहीं बचते, मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है पढ़ाई किसको ली, और मैं क्लासेस तो लेनी पड़ेगी क्योंकि आपकी क्लास में बहुत स्लो जाता है मेरा सिलेबस, बहुत स्लो जाता है, जो चीज मैं यहाँ पे तुम्हें 1.5 घंटे में कराती हूँ दूसरे बैच में 1 घंटे में खत्म हो जाता है, तभी मैं तुम लोगों को ज्यादा देर तक बिठा के रखती हूँ, क्योंकि इसमें अदरवाइज सिलेबस नहीं होगा बेटा टाइम पे, अपने को दिसंबर तक सिलेबस करना है पूरा, क्योंकि बहुत देर, मतलब 30 मिनट का था कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे 1 घंटा लग गया मेरे को बताने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्लो धीरे रहता है, तो यहाँ पे टोटल लाइंस कितने मिले मैम, 3 सारे सोच लो टोटल लाइंस कितने मिले सॉल्यूशन में, 3 मिले, 3। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, यस मैम, सेकेंडरी वैलेंसी भी निकाल लोगे, यस मैम, कितना आ रहा है मैम ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 +1 +3 एक्स, ये तो 0 हो गया, आई नो थके पड़े हो, ये -1 हो गया और ये -2 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा +3। ठीक है, +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया ये। अब देखो इसमें, अब तुम मुझे ये बताओ जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयंस, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर में अब किसका कंट्रीब्यूशन है, अमोनिया का भी और सीएल का भी, तो इसलिए मैंने बोला था सेकेंडरी वैलेंसी इज ईदर सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव, नेगेटिव। ज्योमेट्री क्या होगी, अब देखो 5 अमोनिया को ऐसे दिखा दो सॉलिड लाइन से, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे उनको सॉलिड लाइन से दिखाओगे, और एक सीएल को भी, 2 CL कैसे हैं प्राइमरी वैलेंसी, उनको किसी तरह भी दिखा दो लो, लेकिन ये वाला CL भी प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको डॉटेड से दिखा दो लाइक दिस, देख रहे हो, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज जो सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा हो, ऐसा कौन है, एक ही बंदा है CL। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जैसे एक और कॉम्प्लेक्स ले लो तीसरा, अब ये तुम करोगे, बहुत बता दिया मैंने, और यहाँ पे कितने AgCl मिलेंगे ये मैंने नहीं बताया, जब AgNO3 के साथ कराओगे तो 2 AgCl। अब ये तुम मुझे बताओ, सारी चीजें बताओ, कितने AgCl मिलेंगे, टोटल आयंस, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब मुझे बताओ और स्ट्रक्चर भी बताओ, बनाओ। चलो 5 मिनट और लूंगी बस तुम लोगों के, बस छुट्टी है, फिर करो इसको, और नीचे वाला घर से करके आना। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगी कितने AgCl मिले, टोटल आयंस कितने मिले, बताओ।
मैम टोटल आयंस 2 मिले और प्राइमरी वैलेंसी प्लस 3 आई, सेकेंडरी वैलेंसी 6 आई। एक बार सारे बच्चे चेक कर लो। यस मैम। और स्ट्रक्चर तो तुम बना ही लोगे। चार अमोनिया 2 क्लोरीन को सॉलिड लाइन से दिखा देना इस तरीके से। देखो अमोनिया 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 और अमोनिया और 2 सीएल को इस तरीके से, और एक बच गया तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन ये 2 क्लोरीन भी किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? प्राइमरी में, तो इनको भी डोटेड से। ये आपसे पूछेगा नहीं कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है? ये आगे वर्नर की लिमिटेशन भी हो जाएगी कि उसने बॉन्डिंग तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है? तो यस, कुछ कुछ चीजें थी जो इसने एक्सप्लेन कर दी थी, थोड़ा बहुत रह भी गया जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसके एविडेंसेस हो गए, ठीक है? थोड़ा सा हम और आगे करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट हो गया, बट यस थोड़ा सा रहता है। हाँ गिरिजा बताओ बेटा, ये कर लोगे? ये वाला भी कर लोगे? यहाँ पे तो एक भी AGCL नहीं मिलेगा। यस मैम। टोटल आयंस यहाँ पे 0 मिलने वाले हैं। यस मैम। आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे 0 मिलेंगे। प्राइमरी वैलेंसी प्लस 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6, और यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है यहाँ पे तो 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, क्योंकि है ही नहीं कोई बाहर। ये तीनों yes. कर रहे हैं। बोलो बोलो मैम, बाहर कोई है नहीं। हाँ बाहर कोई नहीं है, तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, देखो जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको ऐसे दिखाओ। एक चीज भूल गए तुम लोग, लेकिन ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी का भी तो पार्ट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको आप यूज कर रहे हो ना, एक्स माइनस। yes. तो आप कैसे दिखाओगे? सॉलिड लाइन से दिखाओगे, लाइक दिस। yes. इस तरीके से दिखाओ, हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही करो, फिर आगे हम देखेंगे कि जब इसने ये कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे देखा गया कि कंडक्टेंस जो है सबसे ज्यादा इस केस में आई गई, फिर इस केस में कंडक्टेंस आई, फिर इस केस में आई, क्योंकि आपको पता है ये कंडक्टेंस डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। तो जितने नंबर ऑफ आयंस आपके पानी में मिलेंगे, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पानी में मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो आप चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट के केस में सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, फिर सेकेंड थर्ड, और कंडक्टेंस का अगर ऑर्डर भी लगाना हो तुम्हें या कंडक्टिविटी का, तो अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सपेरिमेंट है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इवन इसका वो भी निकाला गया, इनका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी निकाला गया। याद करो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने KF पढ़ा था। यस मैम। ठीक है, तो एक बार बताओ जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस होगा। यस मैम। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस देखे गए कि इस केस में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्यों आया होगा ज्यादा? तो कुछ कुछ इसके एविडेंसेस मिले थे, कुछ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी थी कि इसने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताया था। इसने कोबाल्ट अमोनिया प्लेटिनम इनके कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, फिर इसने कुछ आइसोमर्स भी बना के देखे थे। तो इसने ये देखा कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं मतलब मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिला वो 4 और 6 देखने को मिला, ठीक है? तो ये सब कुछ कुछ चीजें थी, कुछ कुछ इसकी लिमिटेशन भी थी, जो हम कल डिस्कस कर लेंगे विद इसके क्वेश्चंस, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन आप पहले ट्राई करेंगे, ठीक है? और मैं आपको आज एक असाइनमेंट भेजूंगी, उस असाइनमेंट में अगर आपको वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन मैंने वर्नर थ्योरी के दिए हैं, अगर आपसे हो जा रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको कल जब ये क्वेश्चन कराऊंगी तो बाकी भी हो जाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज आपको क्या करना है, आज आपको प्रैक्टिस करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर इन सब के निकालने की, और असाइनमेंट में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है जी? यस मैम। यस।